तो पिछले साल स्वीट होम सीजन 2 के माँ बहन बाद हमें साल के एंड में एक और मॉन्स्टर क्रिएचर सीरीज देखने को मिलती है जिसका नाम था ग्योंगसेओंग क्रिएचर। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऑडियंस ने स्वीट होम के सीजन 2 को छोड़कर इसको ज्यादा पसंद किया, जहाँ पे मेकर्स ने भी अपना दिमाग चलाया और देर न करते हुए सीजन 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया। और कुछ हफ्तों पहले हमें इसका टीजर देखने को मिला और 2 दिन पहले हमें इसका ट्रेलर देखने को मिला, जहाँ पे सभी ऑडियंस के अंदर एक ही क्वेश्चन है कि इसकी स्टोरी कैसी होगी। तो अगर तुम सीजन 1 को देखोगे तो इसकी स्टोरी शायद 80s के टाइम पर है, मतलब कि जिस टाइम पे कोरिया पर जापान का राज था और कोरिया को लोग जोसन बोलते थे। और अकॉर्डिंग टू टीजर हमें इतना तो अंदाजा लग चुका था कि इसकी जो प्रेजेंट स्टोरी होने वाली है, मतलब कि सीजन 2 की स्टोरी, वो 2024 पर बेस्ड है, मतलब कि उसकी स्टोरी 2024 में कंटिन्यू होने वाली है। अब अगर ट्रेलर की बात करें तो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि सीजन 1 की टाइमिंग से लेकर सीजन 2 में, मतलब कि 2024 तक अपनी जो हीरोइन है सोही, वो अब तक जिंदा है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन अपना जो पार्क सियोजिन का कैरेक्टर था उसकी डेथ सीजन 1 में ही हो जाती है, मतलब कि सीजन 1 एंड होने के बाद 20-30 साल बाद ही वो मर गया। जहाँ पे हमें सीजन 2 में दिखाया गया है कि उसका फिर से नया जन्म हुआ है, जहाँ पे हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलता है कि अपनी सोही पार्क सियोजिन से मिलती है और वो कहती है कि तुम चांग तेसांग हो ना, जहाँ पे अपना हीरो उसे फुल इग्नोर मार देता है और बोलता है कि मैं चांग तेसांग नहीं हूँ, अब उसका नाम क्या बताया था वो मुझे याद नहीं है। जिसके बाद हमें वो बच्चा भी देखने को मिलता है जो कि शायद बड़ा हो चुका है और ये भी शायद एक इमॉर्टल है। और भी कुछ नए कैरेक्टर्स को दिखाया गया है जिनमें से शायद हमारे लेफ्टिनेंट भी हो सकते हैं एक। फिर हमें ट्रेलर के एंडिंग में देखने को मिलता है कि जो कुछ भी सीजन 1 के एंडिंग में एंड हुआ था उसका एंड नहीं होता है, मतलब कि सीजन 2 में उन्हीं सब चीजों को फिर से दोहराया जाएगा। जिसके बाद चांग तेसांग, मतलब कि पार्क सियोजिन के कैरेक्टर को भी याद आने लगता है अपने पिछले जन्म की चीजों को। जहाँ पे अगर मेरी बात करो तो सीजन 1 के अकॉर्डिंग सीजन 2 में CGI VFX थोड़े अच्छे हैं, और क्योंकि इसका सीजन 2 मॉडर्न टाइम पर बेस्ड है तो आशा करता हूँ कि इसका सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए गुड बाई।